फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे नाम है उसका, दो चीज का रिलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, चेकिंग के लिए। इसके लिए दो चीज सपोज हमें चेक करनी है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में मैंने जेंडर लिखा है और एज लिखा हुआ है। जेंडर मतलब कि मेल है या फीमेल है, इसलिए मैंने एज्यूम अभी के लिए एम किया है। एज माइनर और मेजर के लिए, मतलब कि हमें सपोज चेक करवाना है कि लड़की है शायद, तो उसकी जो कुछ भी एज है उस मुताबिक वो माइनर है या मेजर है। अगर वो लड़का है तो उसकी जो कुछ भी एज है तो उस हिसाब से वो माइनर है या मेजर है, एडल्ट में कंसिडर होगा या फिर वो चाइल्ड में कंसिडर होगा, ऐसा कुछ हमें चेक करवाना है। तो रिलेशनल ऑपरेटर दो आते हैं, तो फर्स्ट इज एन एंड ऑपरेटर और दूसरा है ओर ऑपरेटर। एंड और अगर आपने नाम सुना है तो लॉजिकल गेट्स में बेसिक गेट्स जो आते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, उसका एक छोटा सा ट्रुथ टेबल आता है जिसमें दो इनपुट रहते हैं ए और बी, उसका आउटपुट हम लेते हैं सी में, वही यहाँ पे इस्तेमाल होता है लॉजिक। यहाँ पे मैं रिवाइज कर देता हूँ, एंड ऑपरेटर कीजिए या फिर एंड गेट क्या कहे, दोनों सेम ही है। तो उसमें क्या होता है, हम ए इनपुट कहते हैं, बी इनपुट कहते हैं और सी उसका रिजल्ट होता है। 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 और 1, मतलब कि क्या हुआ कि अगर दोनों में इनपुट 1 है तो ही हमारा रिजल्ट जो होगा 1 होगा। 0 को यहाँ पे हम बोलेंगे फॉल्स या फिर नो, 1 को यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रू या फिर यस। मतलब कि क्या होगा, अगर दोनों चीज सही है तो ही फाइनल रिजल्ट यस होगा। तो अभी का हमारा एग्जाम्पल है, तो क्या हुआ कि अगर मेल है और वो 21 से ज्यादा एज का है तभी वो एज अ माइनर की जगह मेजर में, मतलब कि एडल्ट में कंसिडर होगा, ऐसा कुछ हमें यहाँ पे चेक करवाना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने वैल्यू एज्यूम की है वो मैंने एज्यूम की है एम, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दो वेरिएबल ले लेते हैं हम एक्स। मतलब कि अब चेक क्या करवाएंगे, जेंडर इक्वल इक्वल टू एम, अगर जेंडर में एम है तो दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं वाई, और उसकी एज ग्रेटर देन 21 है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या चेक करवाया है, अगर कोई मेल है और उसकी एज जो कुछ भी है ग्रेटर देन 21 है तभी वो मेजर होना चाहिए। तो पहले ये जो हमने लॉजिकल में स्टडी कर लिया है, जेंडर में हमने क्या स्टोर करवाया है, एम स्टोर करवाया है, तो एम इज इक्वल टू एम है या नहीं है, एम है या नहीं है। तो मतलब कि अभी तो एम है, तो मतलब कि क्या आया, ए वन, मतलब कि ए में यस, मतलब कि ए में ट्रू हुआ, और ए यहाँ पे हमारे लिए है एक्स, तो एक्स में क्या स्टोर होगा, ट्रू स्टोर होगा। अब दूसरी जो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, एज ग्रेटर देन 21, अब क्या होगा इसका, एज ग्रेटर देन 21 है या नहीं, एज यहाँ पे मैंने क्या लिखी है 10, 10 ग्रेटर देन 21 है नहीं है, तो दूसरी कंडीशन क्या हुई 0, बी, बी यहाँ पे हमारा क्या हुआ वाई, 1 0, 1 और 0, फाइनल रिजल्ट क्या होगा सी। तो ये हमने स्टेटमेंट अभी लिखा नहीं है, तो अब तीसरा वेरिएबल लिखेंगे जेड एक्स एंड वाई, एक्स में 1 है वाई में 0 है, तो फाइनल रिजल्ट जेड में क्या स्टोर होगा, मेरा फॉल्स स्टोर होना चाहिए। एक बार रन करके देख लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर में देखिए आंसर इज फॉल्स यहाँ पे स्टोर होगा। ये एक्चुअल सही मेथड नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, ये इफ कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, और यूजर के साथ वैल्यू जब इनपुट करवाते हैं तब इस्तेमाल करते हैं इसका। ये तो सिर्फ सिंपल मेथड मैंने समझाई थी, अगर हमें इफ कंडीशन में करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो मैंने स्टैटिक एम लिख दिया है उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं प्रॉम्प्ट एंटर योर जेंडर। यहाँ पे जो 10 मैंने स्टैटिक लिख दिया है, कॉन्स्टेंट लिख दिया, स्टैटिक तो नहीं बोला जाता, कॉन्स्टेंट बोला जाता है, एंटर योर एज, यहाँ पे अब एक्स निकल जाएगा, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब क्या होगा, यूजर इनपुट करेगा एम या एफ,
ये अभी मेल के लिए ही बात कर रही है, फीमेल के लिए हमने कंडीशन नहीं लिखी है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके मैं ठीक से समझाता हूँ अब क्या होगा। यहाँ पे जेंडर में अब मैं लिख रहा हूँ एम, अब एज में लिख रहा हूँ 25, एज 25, रिजल्ट मुझे मिला ट्रू। वो कैसे मिला? जेंडर में अभी मैंने क्या स्टोर करवाया? एम। यहाँ पे क्या आएगा? एम, एम इक्वल टू एम, यस और नो, यस मतलब के ट्रू। यहाँ पे एक्स वाई और जेड है, उसे ज्यादा ठीक से समझने के लिए मैं यहाँ पे सी कर देता हूँ, ए बी सी। जेंडर में एम इनपुट करवाया, यहाँ भी एम है, मतलब के एम इक्वल टू एम, यस और नो, यस, यस मतलब वन। एम ही यहाँ पे वन कहाँ पे आया? 5 और 6 नंबर की लाइन में। एज में क्या स्टोर करवाया? 25। 25 ग्रेटर देन 21, यस और नो, यस। बी में क्या आया? यस, यस मतलब के ट्रू, ट्रू मतलब के वन। बी में वन कहाँ पे है? एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 6। लेकिन ए में वन कहाँ पे? ऑन अ लाइन नंबर 6 ओनली। ए में भी वन, बी में भी वन। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? वन। मतलब के सी में क्या स्टोर होगा? ट्रू स्टोर होगा। मतलब कि अगर मैंने इफ कंडीशन में ये सब कुछ लिखा हुआ है तो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। इफ कंडीशन में बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आगे जाके आप ठीक से और समझ पाएंगे अगर ये, अगर आपने ठीक से समझ लिया है तो। देखिए यहाँ पे ट्रू मुझे मिला, फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एफ मैंने एंटर किया, एज मैंने एंटर की 18, रिजल्ट मुझे कुछ नहीं मिला। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से वही पुराने वेरिएबल रखे हुए लिखे हुए है। रिफ्रेश करता हूँ, एफ जेंडर फीमेल के लिए, एज 20, अगर लड़की है तो 20 एज उसकी माइनोर नहीं होती है, मेजर होती है, वो एडल्ट कहलाती है। तो यहाँ पे फिर भी मुझे मिला फॉल्स। वो क्यों मिला? जेंडर में क्या इनपुट करवा? एफ, एफ इक्वल टू एम है, नहीं है, मतलब कि ए में क्या आया? जीरो। ए में जीरो कहाँ कहाँ पे? लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 में। ग्रेटर देन 21 है, नहीं है, उसमें क्या आया? जीरो, 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 फाइनल रिजल्ट जीरो, मतलब के फॉल्स। तो इस प्रकार से ये टोटली एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर वर्क होता है। अब जो एक्चुअल कंफ्यूजन है आपको कि ये शायद आपको, तो ये सब कुछ मैं निकाल देता हूं। अब एक्चुअल जो कंडीशन है उसे मैं लिख रहा हूं, एफ इफ में अगर जेंडर में एम है, मतलब कि वो लड़का है, और साथ में ही लड़के की जो एज है 21 से ज्यादा है, तो यहां पे हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे एडल्ट, दूसरी कंडीशन लिखते हैं इफ जेंडर इक्वल टू एफ, मतलब कि अगर वो लड़की है और उसकी एज 18 से ज्यादा है या फिर 18 साल है, तो वो भी एडल्ट कंसीडर होगी। अब इस प्रोग्राम को फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूं, मैंने एफ लिखा, 21 लिखा, देखिए फीमेल एडल्ट। अब वो कैसा हुआ? इफ कंडीशन क्या करता है, क्विकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इफ का जो कुछ भी ब्लॉक होगा, इफ के नीचे हमने जो कुछ भी लिखा है, अगर इफ कंडीशन में वन आया है या फिर ट्रू आया है या फिर यस आया, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। इफ का ब्लॉक, इफ के नीचे हमने जो कुछ भी लिखा है वो। जेंडर में हमने इनपुट किया एफ, एफ इक्वल टू एम है, नहीं है, मतलब कि जीरो। ए में आया जीरो। सेकंड पोर्शन अगर चेक कीजिए, एज ग्रेटर देन 21, क्या इनपुट किया हमने? 18 साल, 18 21 से बड़े हैं, नहीं है, तो उसमें क्या आया? जीरो। बी में भी जीरो, तो फाइनल सी क्या हुआ? जीरो। तो पूरी इफ कंडीशन जो
जो हमने पहले जेड वेरिएबल सी वेरिएबल लिखा था, वी आर सी इज इक्वल टू ए एंड बी, ये पूरी कंडीशन क्या हुई, जीरो हुई, मतलब के कंडीशन ट्रू नहीं होगी, नहीं तो नहीं है तो कंडीशन ट्रू, तो ये क्या होगा, ये मेल एडल्ट का जो कुछ भी मैसेज है वो डिस्प्ले होगा नहीं। हमने इनपुट क्या किया है दूसरी कंडीशन में, एफ एंटर किया है तो एफ इक्वल टू एफ ए, हाँ है, और साथ ही एंड एज उसकी क्या लिखी हमने 18, तो 18 भी एज है, तो हमने मैसेज मिला फीमेल एडल्ट। मतलब कि क्या होता है, लेफ्ट एंड और राइट एंड पोर्शन दोनों सही है जो लिखा है, तभी उसका जो कुछ भी फाइनल रिजल्ट होगा वो यस होगा। एंड पर्सन का लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन और राइट हैंड साइड की कंडीशन जो कुछ भी है दोनों सेटिस्फाई हो रही है, दोनों में यस आ रहा है या फिर दोनों में ट्रू आ रहा है, तभी वो साथ में मिलके ट्रू कंसिडर करेगा। अगर एक भी गलत है या फिर एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है या फिर एक में भी फॉल्स आ रहा है, वेदर इट इज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो इंपोर्टेंट नहीं है, तो पूरी कंडीशन ये पूरा स्टेटमेंट फाइनली रिजल्ट होगा जीरो, मतलब के नहीं, मतलब के फॉल्स, और इफ का जो कुछ भी ब्लॉक होगा वो आगे एग्जीक्यूट होता नहीं है। और दूसरा ऑपरेटर आता है और में जैसे कि आप बात करें, आप यहाँ पे और लिख दीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए जेंडर इक्वल टू एफ, एक बार एग्जीक्यूट कर कर देख लेते हैं। मैंने एम एंटर किया तो मुझे मैसेज मिलेगा यू आर ह्यूमन, सॉरी एज तो अब निकाल देने की जरूरत है, उसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इस जो और ऑपरेटर में जो मैंने लॉजिक लिखा है उसमें एफ यू आर ह्यूमन, एम यू आर ह्यूमन, कुछ भी और टाइप कीजिए यू आर एन एनिमल। अब क्या हुआ, जेंडर में मैंने अकेला लिखा एम, एम इक्वल टू एम है, हाँ है। अब और ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, एम यस ट्रू, मतलब कि ए में वन यहाँ पे है और यहाँ पे है, जेंडर एफ नहीं है, मतलब कि जीरो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब क्या कंडीशन हुई, वन जीरो, मतलब कि कंडीशन क्या हुई हमारी, ट्रू, हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा। जब मैंने एफ एंटर किया, एफ इक्वल टू एम है, नहीं है, मतलब कि जीरो जीरो, एफ इक्वल टू एफ है, यस है, मतलब कि वन जीरो वन, कंडीशन फाइनली रिजल्ट में क्या होगा, वन होगा, इसलिए मुझे मैसेज मिला यू आर अ ह्यूमन। जब मैंने ए डी टाइप किया था, ए डी इज इक्वल टू एम है, नहीं है, ए डी इज इक्वल टू एफ है, नहीं है, मतलब के जीरो जीरो, पूरा मैसेज जीरो, मतलब कि ये इफ कंडीशन का जो कुछ भी कोड है नहीं होगा, और आखिर में जो कुछ भी एल्स पोर्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये था रिलेशनल ऑपरेटर, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वर्क को अप्रिशिएट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।